हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इवन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की पॉलिटी, और हम लोग आज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों एक साथ ही कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा चैप्टर इतना बड़ा नहीं था, तो मैंने दोनों चैप्टर जो हैं वो एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समानता का जो अधिकार है वह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, यानी अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, इसमें हमारे स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं वो उल्लेखित किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मास मीडिया की क्या उदाहरण है? मास मीडिया की क्या उदाहरण है? तो इसका आंसर है मास मीडिया में अखबार, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सोशल मीडिया क्या है? मास मीडिया हमने देखा, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आते हैं, और सोशल मीडिया के अंतर्गत ऑनलाइन संचार चैनलों का एक माध्यम है जो कि लोगों के लिए नेटवर्क में सूचनाओं, विचारों, तस्वीरों, चलचित्रों के सृजन, सहभागिता या आदान प्रदान को संभव बनाता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया जो है वो केवल ऑनलाइन संचार चैनलों का एक माध्यम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वह सभी लोकतांत्रिक होनी चाहिए, मानवतावादी होनी चाहिए और समानतावादी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये आपके आरपीएससी में, यूजीसी नेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्लास 7th में भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। किस ग्रंथ में उल्लेखित है कि सुगंधा, दिद्दा और कोटा नामक महिलाओं ने बहुत समय तक कश्मीर में शासन संचालित किया? तो यह किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो यह राज तरंगिणी में उल्लेखित है। राज तरंगिणी में हमें कश्मीर का शासन मिलता है और इसमें सुगंधा, दिद्दा और कोटा नामक महिलाओं के बारे में भी उल्लेखित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, समानता का अधिकार क्या है? तो धर्म, जाति, समुदाय और लिंग, ये सभी वर्ड जो है वो आपको याद होने चाहिए। धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्मस्थल, इनके आधार पर भेदभाव ना होना, यही है समानता का अधिकार। ऑप्शन में एक वर्ड जो है वो हटा दिया जाता है तभी आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है। तो सभी याद रखिए, धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थल के आधार पर कोई भी भेदभाव ना करना, यही समानता का अधिकार है। और समानता के अधिकार जो है वह संविधान के 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में उल्लेखित किए गए हैं। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि अस्पृश्यता का अधिकार जो है वह समानता के अधिकार में आता है या स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो हमें मालूम है कि अस्पृश्यता का अधिकार जो है वह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और यह 14 से 18 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें दिए हुए हैं, जिसमें अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता के अधिकार की बात करता है कि किसी से भी छुआछूत और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक को अधिकार है। अगर जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर नागरिक के उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो नागरिक क्या कर सकता है? तो उसे अधिकार है कि वह हाई कोर्ट में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर जनहित याचिका जो है वो लगा सकता है। ठीक है, तो मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक को अधिकार है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द को बदलकर कौन सा शब्द लिखा गया है? तो देखिए प्रस्तावना जो है वो उसमें एक एक शब्द जो है वो आपको लर्न होने चाहिए। मैं आपको एक अलग से वीडियो में केवल प्रस्तावना जो है वह करवाऊंगी। तो उसमें जो धर्म निरपेक्ष शब्द है उसको हटाकर कौन सा शब्द जो है वो अब लिखा हुआ है? पहले धर्म निरपेक्ष था, उसको हटाकर पंथ निरपेक्ष शब्द लिख दिया गया है, क्योंकि धर्म निरपेक्ष जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यह केवल धर्म की बातें जो है वो संविधान में उल्लेखित हो रही थी। तो पंथ निरपेक्ष जो है वो एक अच्छा शब्द है, तो इसीलिए धर्म निरपेक्ष को हटाकर पंथ निरपेक्ष शब्द लिख दिया गया। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहा जाता है? तो हम लास्ट क्लास में कर भी चुके हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक यानी सभी को, और मताधिकार यानी मत या मत का अधिकार। तो जो 18 वर्ष से अधिक के जो सभी वयस्क हैं, सभी वयस्क व्यक्ति, व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों ही आ जाएंगे, तो सभी वयस्क को मत का अधिकार ही सार्वभौमिक मताधिकार है। दोनों ही शब्द याद रखने हैं, एक तो 18 वर्ष से अधिक और सभी वयस्क, ठीक है? तो वयस्क में आप केवल स्त्री या पुरुष दोनों ही शामिल होंगे, एक को नहीं लिया जाएगा, सबको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो हैं वो नागरिक को प्राप्त है, ठीक है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक निर्देश है जो कि संविधान के द्वारा सरकार के लिए बनाए गए हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसे निर्देश जो कि संविधान ने सरकार के लिए बनाए हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है। सरकार के लिए निर्देश हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उनको मानने के लिए बाध्यकारी है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और हमने आज चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 करेंगे, और इसी तरीके से हम 7th क्लास 8th 9th और 10th क्लास तक पूरा कवर करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में एक भी सिंगल क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं लगे कि हमने ये पढ़ा ही नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।